वेल तो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं WWE स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में। तो मेन इवेंट भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से एंड होते हुए दिखाई देता है आज के स्मैकडाउन का, जो कि डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट था। जहाँ पर हमें WWE का यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा सेगमेंट देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वेल इसी बारे में बात करने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके सो चलते फिर टॉपिक पे आते हैं एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जॉन सीना भाई यहाँ पर जो देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाला था, जो कि जॉन सीना एंड एजी स्टाइल्स वर्सेस जिमी ऊसो, और जो कि हमें सोलो सिकोवा साथ में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले जॉन सीना को बुलाया जाता है एडम पियर्स की तरफ से, देन इसके बाद बुलाया जाता है यहाँ पर एजी स्टाइल्स को, लेकिन एजी स्टाइल्स आते नहीं है क्योंकि एजी स्टाइल्स के ऊपर बैक स्टेज में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली अटैक देखने को मिल जाता है जिमी ऊसो की तरफ से एंड सोलो सिकोवा की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक था जिसके बाद एजी स्टाइल्स को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला। एंड देन इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई पॉल हेमन पूरे ब्लड लाइन को लेकर, मतलब यानी कि जो हमें देखने को मिलते हैं जिमी एंड सोलो, उनको लेकर रिंग के अंदर आते हैं, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं कि अब तो यहां पर जॉन सीना अकेला रहेगा जब यहां पर एजी स्टाइल्स इंजर्ड हो गया है। तो ऐसे में यहां पर जॉन सीना को अकेले लड़ना पड़ेगा, और क्राउड को बू करने के लिए मना कहते हैं कि भाई क्यों बू कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होना ही था, जब ब्लड लाइन से अगेंस्ट को भी जाएगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। यहां पर हमें ये कुछ देखने को मिलता है। देन इसके बाद जॉन सीना अचानक से आते हैं, वो सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस अटैक का कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो कमबैक करते हैं एंड ये दोनों सुपरस्टार बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक करते हैं जॉन सीना के ऊपर भी। तो ये कुछ हमें यहाँ पर ओवरऑल मेन इवेंट सेगमेंट देखने को मिला। जॉन सीना के ऊपर अटैक करने के बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा, एंड जॉन सीना के साथ में मैच देखने को मिलेगा। मतलब जॉन सीना पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे ऐसा लग रहा है, तो एक हैंडीकैप टाइप का मैच देखने को मिलेगा। क्या कोई सुपरस्टार इन्वॉल्व होगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बट स्मैकडाउन की एंडिंग भारती भाई